दुनिया के सभी पापाओं को, बड़े पापाओं को और दादाओं को हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और ये पापा ही जा रहे, सुनो हैप्पी फादर्स डे पापा। हाँ रख लिया। सो गाइस हम सब की तरफ से आप लोगों को हैप्पी फादर्स डे। हम सब रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं जश्न मनाने। दिखा दो जी मम्मी के दर्शन, सॉरी मम्मी का दीदार। हाँ जी, तो मैं कह रहा था गाइस हम लोग जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए। जश्न मनाने हम किथे जान दें, सानू कुछ नहीं पता, जाके वेख दें किथे पहुंच दें ते की कर दें। मैं कुछ प्लान तक कितने बाकी वेखो की बनता की नहीं होता। और आज हमारा गाइस शूट भी था, हम सुबह से बाहर थे, अब हम रात को फ्री हुए हैं, पापा शॉप से आया, तो अब हम लोग जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए। तो गाइस फरमाइश पूरी कर लो मेरी, ऐनक ला लो गाइस सारे अपनी अपनी, और फिर चल दें मिल दें तुहानू अगे चल के। लेट्स गो। पहले हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और मम्मी दिखा दे। लो जी गाइस ये लिया भाई, वाह मजा। लो जी गाइस देख लो, कुछ इस तरीके का माहौल है रात को यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पर आए हैं मम्मी फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये पापा आ चुके, पहले पापा को विश कर देते हैं हैप्पी फादर्स डे। सबसे पहले तो आपको थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धार्मिक भी नहीं दिखा हमारे को, हमारा धार्मिक इधर बैठा हुआ है, बोला भी नहीं है बेटे, बोल तो दे कम से कम। ऊपर देखो कौन हो भाई, वाह वाह भाई वाह। मेरे दो अनमोल रत्न, एक है लल्लू और एक है बल्लू, नहीं एक है कुछ और एक है चमन। फाइनली टाइम आ चुका है केक कटिंग का, और ये देख लीजिए मेरे को केक पे क्या नाम लिखवाया गया है। भाई वाह जोगी जी, इनका नाम है जोगिंदर, तो मैंने जोगी जी लिखवा दिया। भाई वाह देखना डर रहे हैं हमने, इन्होंने ना पहले हाथ में पकड़ के कभी भी केक नहीं काटा, बट हम इनको आज अपनी फरमाइश से केक कटवा रहे हैं और ये डर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो ऐनक लगवा देते हैं बाप जी को, हैप्पी फादर्स डे। देख लो स्टार्टिंग में कुछ गेम्स वगैरह रखी हुई है, हैं? ओ कार बाइक भी बढ़ी है बैटरी वाली, भाई वाह बच्चों का फुल जोगाड़ है भाई, वाह जी वाह। ये फोन भाई वाह गीता, मेरा काम है वो तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है पेशाब करा जाएगा भाई, क्यों करो भाई पैसे लग गए। अपने को सीट मिल चुकी है इतने जतन प्रयोग के बाद, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थी, और फाइनली सीट अपने को मिल गई है तो बैठ गए भाई। और क्या बोलूँ सीट मिल गई तो बैठे ही। सबसे पहले तुम्हारे को एक बंदे मिलवाया तो हेलो कर दो, हेलो हेलो ऐसे ऐसे कर दो ऐसे, वो खुद को ही देखे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हेलो कर दो, खुद को देख रहे हैं। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। सबसे जेन्युइन सबसे अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ का इंटीरियर, तुम्हारे को दीदार कर रहा तो इंटीरियर का आ जाओ।
पानी घर से ठीक होता है या खाऊंगा पानी पैसे भर दो। क्या करवा रहे हैं, मजाक करते हैं भाई, ये तुम्हारे को हंसाने के लिए बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ना तुम्हारे को हंसाने के लिए, वैसे भी तुम्हारे को हंसाने के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ले अभी सोदा आना शुरू हो भाई, वाह, और इन्हें देख लीजिए, इतना सब कुछ दिखाई दिया तो फिर तुम्हारे को बाथरूम भी दिखाए थे यहाँ के। चले जी आ भी रहे ना, तो मैं कहा चलो जी वहाँ वहाँ का भी दीदार करवा दो, चलते हैं जी आ जाओ भाई। वह कॉरिडोर बनाया हुआ वॉशरूम के लिए, देख लो जी कमाल है। कुछ बाथरूम था भाई, बाथरूम भी दिखाया तुम्हारे को, और अंदर का थोड़ी और दिखा सकता था, बाहर बाहर जितना दिखा सकता दिखा दिया, कितने में खुश रहो है। देख लो जी ये स्वीट्स का एरिया है, यहाँ पे अलग से सेपरेट खाने का अलग, और ये सेपरेटली स्वीट्स का एरिया बना रखा है भाई, वाह मज़ेदार। ये लो जी पकड़ो, मुंह बना रहे हैं। इसको बताओ ये वर्थ है 55 रुपए का, गाइस ये बता दो 55 रुपए यहाँ पर खर्चने वर्थ है इस पे। मतलब जाएगा आशिया हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ओके 10 रुपए पर माल लगा हुआ, 2.5 रुपए पापड़ है, 12.5 रुपए माल लगा हुआ। पापा ने तो भाई सीधा जवाब दिया नहीं, अब मम्मी खा के बताइए मम्मी को कैसा लगा। बेटा 12.5 रुपए का माल है टोटल, ये तुम बता दो कैसे है जेन्युइन। चलो जी शुक्रिया, मैं मेरा भी टेस्ट सुन लो। लो भाई इधर सोदा ले आओ, लो भाई इसको खा के दिखा दो तुम्हारे को टेस्ट कैसा है इसका। खा लिया वाह मज़ा कटेंगे। जेनुइन है, लो जी सोदा पानी आ चुका है भाई, वाह मिक्स वेज रोटी और ये दाल। अभी ये नो भी क्या कह रहे हो, रोटी छोटी कितनी है देखिए, रोटी छोटी देख लो जी कितनी छोटी रोटी है, हमीरी रोटी है। अभी ये रोटी में छोटी लग रही है भाई, कैमरे में तुम्हारे को छोटी लग रही है लेकिन ये इतनी छोटी है नहीं जितनी लग रही है भाई, ये सही में बढ़िया खमीरी रोटी का साइज होता है ना वो वाला साइज है इसका आराम। और चश्मे के अंदर मैं दिख रहा हूँ गाइस, ये देख लो फोन में तो दिख रहा हूँ, चश्मे में भी दिख रहा हूँ। तो जी गाइस खाना आ चुका है अपना, रोटी दाल मिक्स वेज, और मम्मी और ये शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट भाई ने शुरू कर दिया और मामा जी ने भी शुरू कर दिया, और करते हैं गाइस शुरू अपन भी। सिस्टम हैंग हो गया और पेट ना करते बाहर आ गया, फूटने को हो गया। और ये पापा को देख लो जी खाने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मजा आ गया। सिस्टम सेट पैसे वसूल करने वाली बात है, फंसी तो अब लगेगी जब पैसे देने की बात आएगी। तुमसे कौन भरवा रहा है, मैं तो भरूंगा ही, पहली बार जा रहा हूँ। रोटी खावे पाली दी ढाबे दिया 2-2 रुपया लिया, अच्छा तू खावे 3-3 रुपया लिया, ठीक नहीं है गल है की तेरे। फाइनली बिल आ चुके हैं और इनके थोड़े तोते उड़ चुके हैं, तो भाई मेरे को दे दो कुछ भी करो यार। तो गाइस पापा बिल नहीं दे रहे, मैंने कहा बिल मेरे को भरने दो और ये भरने नहीं दे रहे, देख लो आज तो बाप दिवस है, आज तो पापा का दिन है, आज तो तुम चैन लो लाओ भाई। अरे अबे तो पट्टियां काट भाई, ये अपने पट्टियां काट। तो गाइस बिल आ चुका अपने हाथ में फाइनली, और दिखाऊंगा पागल हो, ये चीज दिखाने की नहीं होती गाइस। ये भी कौन सा नोट है, ये मेरी टिप हो गई। चलो ये क्या हरकत करी है इन्होंने, मैंने यहाँ पे पैसे रखे हैं और इन्होंने 500 रुपये उठा के अपनी जेब में डाल लिया, कह रहे मेरी टिप हो गई है बेमतलब में बात। तो और अलग से ले लेना ना भाई, ऐसे बीच में से थोड़ी लेते हैं, ले ली भाई अलग से लेना। सो फाइनली हमारे यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, खा पी लिए और टाइम भी 12 से ऊपर हो चुका है, और अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर जाके मिलते हैं आपसे, ठीक है जी। ठीक है भाई रखन दो, और भाई चोरी करने का सामान ये रहा, उठा लो आ जाओ, चोरी करने का सामान देखो ये रहा, कर ले चुपको जी चुपको। बेटे वो कहीं जाती है बेचारी, भाई देख रहे हो कैसे खुश हो रही है, मेले का बोर्ड देख ले इन्होंने यहाँ पे, और ये खुश होने लग गई। अभी ये तो धार्मिक से शक्ल मिल रही है इसकी, हॉन्टेड हाउस वाली की भाई। तो अंदर चुप है भाई, भाई मम्मी ना इन चीजों में खुश हो जाती है, अब मैं क्या बोलूं, मम्मी भी थोड़ी बच्ची टाइप है, अभी 19 साल में शादी हो गई थी ना, तो ये अभी न्यानी है मम्मी, कितने साल की 40+ साल की कोई न्यानी है ये, तो भाई घर चल के मिलता हूँ तुमसे। घर तो हम पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 1 बच्चों का, और मम्मी कह रही है डैडी से आज बाट लगने वाली, क्लास लगने वाली है, वो डैडी यथे ही बैठे हुए, डैडी ऐसी आ गए घर। यही कह रहा था मैं, क्या था मैं, हाँ जी बोलो फिर, क्या फिल्म देख आया हो, फिल्म नहीं देख के बाहर गए थे इंजॉयमेंट करने।
बाप दिवस सिखाना थे, बाप दिवस मनान गए सीखे। फोन उठा के इधर कर दिया। डैडी आपको भी हैप्पी फादर्स डे। हाँ तो गाइज मैं कह रहा था, ये बंदा चल लो फिर बोलता हूँ। हाँ जी तो गाइज मैं ये बोल रहा था कि आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जो भी बंदा चैनल में पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइज, स्टे ब्लेस्ड।